तो जय मसीह की। मेरी गवाही ये है कि कुछ दिन पहले मेरी पूरी बॉडी पे बहुत ज्यादा एलर्जी हो गई थी। एलर्जी से बहुत ज्यादा रेड कलर के रैशेस पड़ गए थे, तो मैंने बहुत जगह मेडिसिन ली लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैंने पास्टर जी से प्रार्थना करवाई और प्रभु का धन्यवाद कि आज मेरे बॉडी की सारी एलर्जी प्रभु की कृपा से दूर हो गई है। तो मेरी गवाही ये है कि प्रभु यीशु मसीह सच में प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर हैं और आज मैं जो भी चंगी हुई हूँ उनकी वजह से हुई है। सबको जय मसीह। हालेलुया, जय मसीह की। मैं संगीता बोल रही हूँ इंदौर से। मैंने 17 तारीख की प्रार्थना सुनी चमत्कारी जात विषभ जी के चर्च से। छोटे पास्टर जी प्रार्थना कर रहे थे और उन्होंने कहा किसी के कमर में दर्द है, गैप गिर गई है, वहाँ हाथ रखो, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। और मेरे कमर में बहुत दर्द था और गैप भी थी। मैंने प्रार्थना रिसीव की और उसी क्षण मेरे कमर का दर्द गायब हो गया है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर जी का भी धन्यवाद करती हूँ कि उनके प्रार्थना से मेरे कमर का बरसों का दर्द ठीक हो गया है। पास्टर जी, आपने मेरे लिए प्रार्थना की तो मेरे को जॉब मिल गया है। पास्टर जी, मैं प्रभु का खूब खूब धन्यवाद करूँ। मैं आपका भी खूब खूब मैं धन्यवाद करूँ क्योंकि आपकी फैमिली को के प्रभु बहुत सारी आशीष आप बहुत आगड़ आपको रखे। मैं प्रभु ने खूब खूब धन्यवाद करूँ। पास्टर जी, मैं 6-7 दिन घर पे बैठा लेकिन मुझे जो ठीक से मिल गया है, तो मैं प्रभु का खूब खूब धन्यवाद करूँ। बहुत खूब खूब धन्यवाद करूँ। गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु मसीह की जय। जी, मेरा नाम गुरदंदर सिंह है और मैं पंजाब अमृतसर से रहने वाला हूँ। जी, मेरी गवाही है कि मैंने कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई किया था और मेरा 5 मई को वीजा आ गया है। मैंने परमेश्वर के दास की ऑनलाइन चर्च मीटिंग अटेंड की थी और उनको अपनी व्हाट्सएप पे फोटो भी सेंड की थी, तो उन्होंने मेरे लिए प्रेयर की और मेरा 5 मई को स्टूडेंट वीजा आ गया। मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत धन्यवाद करता हूँ। आमीन।